सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्त, आज जो हमारे छोटे वाले फार्म में बर्ड की शिफ्टिंग हुई थी, तो आज इसका चौथा दिन है। चौथे दिन की मॉर्निंग है, करीब आज अभी 7 बज रहे हैं सुबह के। तो 4 दिन का पूरा डिटेल बताएंगे, पिछले 3 दिनों में क्या हुआ उसका डिटेल। आज चौथा दिन है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। कोई चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी वीडियो मिलती रहे मेरे फार्म की। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिस दिन बर्ड आया था सुबह में, तो उस दिन हमने इनको आज गुड़ और हल्दी का पानी दिया था, सुबह का पहला पानी। फिर शाम का जो दूसरा पानी रखा गया था वो नियोमाइसिन पाउडर का, जो कि एक एंटीबायोटिक है, उसका डोज दिया गया। फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में इनको नेफ्रोटेक दिया था हमने। नेफ्रोटेक आप चला सकते हैं या फिर नीरी चला सकते हैं, दोनों चीज़ें आप चला सकते हैं। नीरी का डोज जो होता है वो 1000 बर्ड पे 50 ml, और नेफ्रोटेक का भी वही डोज होता है 1000 बर्ड पे 50 ml। फिर दूसरे दिन की शाम में फिर से नियोमाइसिन पाउडर, फिर तीसरे दिन फिर से नेफ्रोटेक वही डोज। फिर तीसरे दिन की जो शाम को रखा गया था वो इनको सेप्टान DS का डोज दिया गया। और तीसरे दिन जो पेपर इनका फैलाया गया था, जो इनके बिछावन पे पहले दिन जो इनको रखा जाता है, जब जो पेपर बिछाया जाता है, पेपर फीडिंग कराई जाती है, तो उसको कल हटाया गया है। काफ़ी ख़राब हो चुका था, कल उसको हटाया गया। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि कौन सा चिक्स है और किस कंपनी से लिया। तो आपको बता दें कि हमारी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं हम IB कंपनी से, हमारी ब्रांच है भदोही। और IB कंपनी जो चिक्स यूज़ करती है, फार्मिंग करती है, वो रॉस वैरायटी का जो है बर्ड यूज़ करती है, और जिसकी ग्रोथ भी बड़ी अच्छी है। रॉस और कॉब ये दोनों लगभग सिमिलर ब्रीड हैं, और बहुत ही कम बीमारियां आती हैं इनमें, और ग्रोथ भी बड़ी अच्छी है इनकी। और FCR जो है 1.6-1.5 के आसपास रहता है इनका, अगर अच्छा फीड मिला तो। फीड अच्छा नहीं मिला तो फिर FCR ये जाएगा। आज चौथा दिन है, चौथे दिन की मॉर्निंग में इनको हम देंगे जो है न्यूरोबियन फोर्ट का डोज, वो 50 kg बॉडी वेट पे एक टेबलेट, ताकि इनको जो मल्टीविटामिन और कैल्शियम की जो ज़रूरतें हैं, ताकि लंगड़ा बर्ड कोई ना निकल पाए उसके लिए, उसकी जगह पे आप चूने का पानी भी दे सकते हैं कैल्शियम के लिए। और मोर्टेलिटी आज तक हुई है, जो करीब 12 मोर्टेलिटी हुई है। दूसरे दिन में करीब 10 मोर्टेलिटी हुई थी, फिर कल 1 मोर्टेलिटी थी, और आज जो है 1 मोर्टेलिटी आज है। तो 12 के आसपास है मोर्टेलिटी बहुत कम है। इस टाइम अमूमन जो है मोर्टेलिटियाँ होती नहीं हैं, क्योंकि बर्ड को जब छोटा रहता है उसको टेम्परेचर चाहिए होता है, और टेम्परेचर इस टाइम तो अच्छा खासा है, तो उस वजह से। और इनको जो ये ड्रिंकर, मैनुअल ड्रिंकर जो रखा गया है, अभी छोटे वाले स्टैंड पे ही रखा गया है। इसमें 2 टाइप से स्टैंड होता है, इसको आप देख सकते हैं। जब छोटा रहता है तो इस तरीके से छोटे वाले पे रखा जाता है, जब थोड़ा सा बड़ी एज थोड़ा सा इनकी बड़ी हो जाती है, लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो इस तरीके से रखा जाता है, ताकि सरफेस लेवल से थोड़ा सा हाइट बढ़ जाती है। अभी आज कल शाम को एक प्रैक्टिकल के तौर पर ये पीछे वाला हमने रखा था, तो इसमें अभी देखिए पानी थोड़ा सा कम इनको मिल रहा है, क्योंकि इसमें पानी बचा हुआ है। औरों में आप देखेंगे तो पानी नहीं बचा हुआ है, सब सूख गया है, सब छोटे वाले स्टैंड पे रखे गए थे। और इसको थोड़ा सा हमने बस देखने के लिए रखा था कि मिल रहा है कि नहीं, और पानी का इंटेक कितना है। इसमें पानी अभी तक बचा हुआ है, और जो बड़े वाले फार्म पे हैं वहाँ पे आज 17वां दिन चल रहा है, उसका भी अपडेट देंगे इसके अगले वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।